सरकार कितना तनख्वाह दे ले? 40। और हम? फिर भी हमार भाई अंदर कैसे भाई? कैसे भाई हमार भाई अंदर? नया इंस्पेक्टर सरकार, नया इंस्पेक्टर, नया इंस्पेक्टर अंदर। चल। अरे बाप। कानून के कोठा से आज तक कौनो ऐसा दरोगा पैदा ना भइल बा जौन हमरा भाई के लॉकअप में बंद कर सके। ए इंस्पेक्टर, तू हमरा के ठीक से जानत नइखे। तोर भाई बतौले रहे तू विधायक बड़ा, बाकी जौना तरह तू भोकता रह, गली के कौनो आवारा कुकुर से ज्यादा नहीं खोला कर। ए दरोगा! नेताजी शांत शांत। दरोगा जी नथनी बाबू की रिहाई। तिलकधारी सर, छोड़ दो इनकरी भाई के। ओके सर। और सुना, अपनी भाई के समझा के रखिए कि दोबारा अगर कोनो लड़की के छेड़त मिल गई तो ऐसन बैंड बचाई कि कोनो बचनिया तोरा भाई के नचनिया तक ना रखी। हमरा भाई के कोनो बजनिया नचनिया रखे चाहे ना रखे, पर याद रख हम तो रू हाल करब कि ये जवार के कोनो भी नाच पार्टी के जब भी कोनो भड़ुआ का जरूरत पड़ल तो सबसे पहले तोरा से कांटेक्ट कर। का कहले रहला कि हम गली में भौके वाला आवारा कुत्ता बानी 24 घंटा में तोरा से अपन ना चटौली तो हमार नाम गजराज सिंह, माननीय विधायक जी के नाम। चला जा, चल। हेलो इंस्पेक्टर विजय, तोरा के का जरूरत रहे गजराज जी के भाई के गिरफ्तार करे के? और सुना, काल से तोहार ड्यूटी विधायक गजराज सिंह जी के सुरक्षा में लगावल जाता, और याद रखिया ए बारी कौनो गड़बड़ी ना होखे के चाही, ये हमार ऑर्डर बा। ओके ओके सर। सर, अरे एसपी साहब, रहुआ का है दरवाजा खोला था नहीं? दरवाजा ओकरा से खोलवाई जेकरा के हमरी सुरक्षा खातिर तैनात कइले बानी। विजय, दरवाजा खोला। एसपी साहेब, ये दरोगा सलामी ठोके के ट्रेनिंग ना ले ले बका? विजय, पड़ गए ना ये खादी खाकी पे भारी। चला, ये है हमरी देश का बदकिस्मती है कि अगर गधा भी खादी पहन लेना तो तोहरे जैसे खाकी में रहे वाला शेर भी कुकुर जैसन पूंछ हिलावे लागेला। अब आवा हमरे पीछे पूंछ हिलावत। प्रणाम विधायक जी।
भाइयों और बहनों और हमरे माता पिता तुल्य, आप सभी को गजराज सिंह का प्रणाम। हम अपना अपना घर में चैन से सोते हैं। कैसे कैसे का है के सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह जैसा बहादुर जवान हमारा देश की सीमा में दुश्मनों से हम सब की रक्षा करता है। तालियां। इसीलिए आज हम इस पार्क का नाम शहीद महेंद्र प्रताप सिंह पार्क रख के महेंद्र प्रताप सिंह की शहादत को सदा सदा के लिए अमर बना देते हैं। खाकी वर्दी हाथ में पिस्तौल और पिस्तौल के नोक हमरा माथे पे। अच्छा लगता। बाकी कानून के मंदिर जाना के तू लोग अदालत कहला सजा देवे खाती सबूत मांगेला इंस्पेक्टर सबूत। बाकी विधायक पगोली हम ही चलौनी है। आई देखे वाला भगवान चिड़िया चुरुम या तो तू बड़ा। भगवान के पास इतना टाइम नहीं थे कि ऊपर से नीचे आके गवाही दिए और चिड़िया चुरुम के भाषा जज साहब के समझ में ना आई और रह गए तू तो एगो पुलिस वाला के गवाही कानून ना माने। जब हम ही कह दे कि दरोगा जी प्रमोशन पावे खाती हमके डरा धमका के मुजरिम साबित कर चाहता रे तब का हो पिस्तौल हमरा माथे से हटा ला इंस्पेक्टर और जाके विधायक जी के रखवाली में लग जा। कहे से कि किस्मत रोज रोज साधना थी। कोनो महान आदमी के कह नाम हवे कि पाप से घृणा कर पापी से ना। बाकी हम पाप और पापी दोनों से घृणा करेंगे। दौरा के सजा देवे खातिर ना तो भगवान के ऊपर से नीचे आवे के पड़ी ना ही चिड़िया चुरुम के कोनो गवाही देवे की जरूरत पड़ी। जरूरत बात खाली हमरे उंगली के एक छोटी हरकत के गोली दिमाग के आर पार और सफाई में हमरा के खाली इतना ही कहे के पड़ी कि शक के बिना पर हम दौरा के पकड़े के कोशिश करी नहीं और तू हमरा ऊपर गोली चला दे ले। हमू अपन बचाव करे खातिर थोड़ा ऊपर गोली चला देनी और इस जिंदगी और मौत के जंग में जिंदगी हमरा के और मौत तोरा के चुनस। ये तो हार गर्मी ना इंस्पेक्टर पिस्तौल के गर्मी है ना तो आज ले कौनो मामला में केहू हमसे जीतल ना ले। हटा देने पिस्तौल और सुन आज ले हमो कौन मामला में केहू से हर लीना।
आपके साथ दिलराज है। ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान जाने माने एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट श्री हरीश भगत जी। स्वागत है आपका। नमस्कार हरीश भगत जी, आप एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसा वास्तु होगा वैसा ही आपकी कुंडली होगी, जैसे आपकी कुंडली होगी उसी तरह का आपके घर का वास्तु होने वाला है। अगर आपकी कुंडली खराब है, चाइल्ड बर्थ पे अगर कोई किसी संतान ने जन्म लिया है, किसी बच्चे ने जन्म लिया है, उसको उसने जिस घर में कंसीव किया है, अगर उस जगह कोई वास्तु दोष था तो वही दोष उसकी कुंडली में भी नजर आएगा। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। आपने बहुत अच्छी तरह एस्ट्रो और वास्तु के बीच संबंधों को समझाया, तो अब हम आगे जाना चाहेंगे कि कुंडली के दोषों को कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, कुंडली में जो दोष होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के दोष होते हैं। कुंडली के दोषों को समझाने के लिए पहले हमें उन सारे दोषों को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कुंडली में किसी का मंगल खराब है, तो अगर आप इसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ठीक करना चाहेंगे, ज्योतिष के थ्रू ठीक करना चाहेंगे, तो मंगल का उपाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे साथ साथ, अगर जैसे मंगल की दिशा साउथ है, दक्षिण दिशा का मालिक मंगल है, अगर आप उसको भी साथ में करेक्शन करेंगे या दक्षिण दिशा को भी साथ में ठीक करेंगे, तो ये दोनों मिलकर एक साथ ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा, तो इसमें आगे उपायों का क्या महत्व है? अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग उपाय जो है क्यों बताते हैं? क्या सबका फल एक जैसा होता है? देखिए, ज्योतिष की विभिन्न तरह की ब्रांचेस है। जेमिनी अलग होता है, पाराशर अलग होता है, लाल किताब अलग होता है, वैदिक ज्योतिष जिसे वो एक अलग ब्रांच है, की भी एक अलग ब्रांच है। तो सभी ब्रांचेस में ज्योतिष को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और इसी के हिसाब से उपाय होते हैं। फाइनली ये सारे एक ही रास्ते पर जाते हैं, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं। डेस्टिनेशन इज सेम। अब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करने से किसी दूसरे तरह से उपाय निकलता है, किसी और से किसी और तरीके से उपाय निकलता है। सारे उपाय का फाइनली डेस्टिनेशन वही है, लेकिन सभी ज्योतिषी इसको अलग अलग तरीके से करवाते हैं। इसको आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव में समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक किसी पर्टिकुलर कुंडली में कोई प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, तो एक ज्योतिषी उसको ऐसे समझेगा कि ये खराब प्लैनेट है, मुझे इसे ठीक कर देना चाहिए, उसके लिए उपाय बनाना चाहिए। दूसरा कोई ज्योतिषी उसको हो सकता है वो ये समझे कि ये प्लैनेट, ये दूसरा प्लैनेट है, ये अच्छा है, मुझे इसकी हेल्प लेके काम करना चाहिए। तीसरा एक और तरीके का मेथड है जिसमें यह है कि वो बैड प्लैनेट या बुरे प्लैनेट को रोक ले, उपायों से उसकी एनर्जी को रिड्यूस कर दे, और जो अच्छा प्लैनेट है उसकी एनर्जी को बढ़ा दे, या किसी बुरे प्लैनेट की एनर्जी के साथ किसी और उसके फ्रेंड को यूज करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, यानी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उपाय का बस यही रोल होता है। अगर वो उपाय अच्छे से किए गए हैं, अगर वो सही किए गए हैं, तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं। जी, जैसे प्लैनेट की बात करी, तो आप आगे बताइए कि ग्रहों के बीच संतुलन को कैसे स्थापित करें। ठीक है, देखिए क्या होता है, हमारे ज्योतिष में हम लोग 9 ग्रहों को प्राइमरीली काम में लेते हैं, प्राइमरीली यूज करते हैं, जिसमें हो गया सूर्य, हो गया चंद्रमा, हो गया मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इसी तरीके से इनके सारे डायरेक्शंस भी हैं। ये जो डायरेक्शंस है, हर प्लैनेट किसी ना किसी डायरेक्शन से एसोसिएटेड है या लिंक्ड है। अगर आपको कोई एक कुंडली में एक प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, तो उससे एसोसिएटेड कोई डायरेक्शन भी खराब रिजल्ट दे रहा होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कुंडली में बुध खराब है, इसका मतलब ये मानिए कि जिसकी कुंडली में बुध खराब है उसके घर में नॉर्थ के डायरेक्शन में, यानी उत्तर की दिशा में किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई समस्या या परेशानी या जरूर होगी। अगर मैं इसे और टेक्निकल शब्दों में समझाऊं तो वहां पर एंटी एलिमेंट होगा, यानी बुध से रिलेटेड जो उसका दुश्मन होगा वो वहां पर मिलेगा। अब अगर हम उपाय करते हैं, तो एक तो हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते हैं कि बुध को ठीक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल दिया कि गणेश जी की पूजा करिए या गणेश जी को
मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाइए और वो प्रसाद सब में बांटिए, या गाय को हरा बुधवार के दिन हरा चारा खिलाइए। ये कुछ उपाय है। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ के डायरेक्शन में जो चीजें रखी हुई है, अगर वहां पे कोई एंटी एलिमेंट है उसको भी रिमूव कर देंगे तो एक जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी वो बंद हो जाएगी, दूसरा जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी वो भी बढ़ जाएगी। तो जब दोनों चीजें एक साथ काम करेंगी तो रिजल्ट जल्दी और ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो पंडित जी, अब आगे हम आपसे पूछना चाहेंगे वास्तु और दिशा के बीच क्या संबंध है। देखिए, जो जैसे एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट डिपेंडेंट है, जो हमने ग्रहों के बारे में बात करी उस पर डिपेंडेंट है, इसी तरीके से वास्तु दिशाओं से चलता है। यानी अगर आप किसी घर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी मकान की बात कर रहे हैं, तो आप उसके दिशाओं के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए ज्योतिष में हम नॉर्मली, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का राहु खराब है या केतु खराब है या शनि उसको परेशान कर रहा है, इसी तरीके से वास्तु में भी ऐसा होता है कि किसी की पश्चिम दिशा खराब है या पूर्व दिशा खराब है या नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें उस तरीके से होती है। जैसे हमारे शरीर में हमारे हाथ होते हैं, हमारा फेस होता है, हमारे पैर होते हैं, हमारा स्टमक होता है, सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से वास्तु में ये सारी दिशाएं उसके वास्तु के शरीर का, वास्तु पुरुष के शरीर का अंग है। तो जैसे हमारे अंग की एनर्जी का लेवल हम ज्योतिष के थ्रू एनालाइज करते हैं, वैसे किसी मकान की क्या एनर्जी होगी, उस मकान में रहने वाले लोगों को उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको एनालाइज करने के लिए सारी दिशाओं को समझना पड़ेगा। अगर ये सारी दिशाएं अलाइन है, ये ठीक है, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर ये अलाइन नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे किसी की बॉडी में, मान लीजिए किसी के कोई बहुत ज्यादा मोटा है, किसी का वेट बहुत ज्यादा है, तो आप ये मान के चलिए कि उसकी चलने की स्पीड कम होगी, क्योंकि उसका पूरा वजन उसके लेग्स पे जा रहा है, पैरों पे जा रहा है, तो पैरों पर एक्स्ट्रा वेट आएगा, उसकी स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। इसी तरीके से वास्तु में भी होता है कि अगर एक डायरेक्शन में कोई एंटी एलिमेंट है या उस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। मान लीजिए अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उनके घर में बीमारियां आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उनका हेल्थ से रिलेटेड, उसको पैसे से रिलेटेड, घर में सुख शांति से रिलेटेड बहुत सारे समस्याएं आती है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट और उसके उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो आपको साउथ वेस्ट में भी मिलेगा। यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का बुरा असर उसके अपोजिट जो डायरेक्शन है उसमें भी आएगा। तो वास्तु करने से या वास्तु करने वाले लोग नॉर्मली सिर्फ इन सारे दिशाओं में बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की बैलेंसिंग की जाती है, प्लैनेट्स की एनर्जी की बैलेंसिंग की जाती है, उसी तरीके से वास्तु में दिशाओं की बैलेंसिंग की जाती है। अगर ये दिशा बैलेंस में है तो आप खुश हैं, सुखी हैं, और आपके अपने गोल्स जो आपके टारगेट है वो अचीव होंगे, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मैरिड लाइफ ठीक बीतने वाली है, सोसाइटी में आपका नेम और फेम मिलेगा, लोग आपको वैल्यू करेंगे। अगर उसमें कहीं पे भी कुछ चैलेंज आता है या कुछ गड़बड़ है, तो जिस जिस डायरेक्शन में गड़बड़ है, जिस जिस दिशाओं में परेशानी है या खराबी है, उस दिशा से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, उन उन चीजों में जीवन के उन उन चीजों में परेशानियां आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसा पंडित जी ने बताया एस्ट्रो और वास्तु के बीच में डिफरेंस बताया, कई उपाय बताए, कैसे संबंध है वो बताया, तो इसमें वास्तु और एस्ट्रो में पंडित जी इनके बीच में आपने संबंधों को बताया है, और इसमें क्या कुछ ऐसे उपाय करें कि वास्तु आज देखा जाता है कि आजकल एस्ट्रो और वास्तु को साथ में लोग मर्ज करके आगे निकलते हैं, तो क्या कुछ इसमें आप बताएं। देखिए ज्योतिष और वास्तु ये दोनों, जैसा आपने पहले कहा, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपकी कुंडली ठीक काम कर रही है लेकिन अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है तो आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। अगर आपका वास्तु ठीक है और आपकी कुंडली में वो योग कम है, या मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि आपकी कुंडली में एक महीने में मान लीजिए 1,00,000 रुपए कमाने का योग है और आपका वास्तु ठीक नहीं है, तो आप 10-15,000 या ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए कमा पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में अगर आपका वास्तु ठीक है और आपकी कुंडली में कम पैसा कमाने का योग है, मान लीजिए
20,000-30,000 रुपए कमाने का योग है, तो वास्तु के थ्रू आप उसको कुछ बढ़ा पाएंगे। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर ये दोनों चीजें ठीक काम करेंगी तो आपका, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, वो ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से आप इन्हीं सारी चीजों को हेल्थ से रिलेटेड जोड़ सकते हो कि अगर आपकी कुंडली में बीमारियों का योग है और आपका वास्तु ठीक है तो वो बीमारियां या तो छोटी होंगी या कम होंगी या बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगी आप उससे, अदरवाइज उसमें इशू आएगा। तो आज हमने अपने इस खास प्रोग्राम में एस्ट्रो और वास्तु के बीच संबंध को जाना। कल फिर से मिलेंगे आपको नए विषय के साथ। देखते रहिए आईएमएस। मारे का हो जाए जेगरा पे तो गोली चलो ले बड़ा वो इलाका के बाहुबली पा, और बाहुबली इंसान पूजा के चरणामृत पी के ना लोगन के खून पी के बनेला, और ऐसे ना आदमी के खून पी के कोशिश तो कर ले बड़ा। कुछ तो वजह हुई, कुछ ऐसा वजह जौन अब कबो पूरा ना हो सकेला, और कुछ अधूरा ख्वाब चौना के पूरा करे के बा। मतलब हमरा बाबूजी के जगह पे नया नया ट्रांसफर भई रहे, उ हवलदार रहले, दरोगा लोगन के सलामी ठोकर ठोकर अपने आँखी में एगो सपना बसा लेले रहले कि वो अपना बेटा के दरोगा बनेगी। बस दरोगा के फॉर्म भरे से पहले ही हमारा ट्रेनिंग शुरू करवा दे। जरत दिया के बीच मंदिर के भीतर खड़ी वो लड़की के देख के हम देखते ही रह गए, पलक झपकल भुला गई, ओकर एहसास हमरे जिस्म के ना हमरे रूह के छू लेलस। पहली बेर हमरा ऐसा लागल कि अगर भगवान हमसे ये दुनिया में कोनो चीज मांगे के कहते तो हम और कुछ ना वो लड़की कहीं मांग लेते। जहाँ वो खड़ा रहे
महुआ नियन मद मातल गोरिया ने नितोहार हो पोरे पोरे फुलाइल देहिया भइल कचनार हो हो महुआ नियन मद मातल गोरिया ने नितोहार हो पोरे पोरे फुलाइल देहिया भइल कचनार हो चले लूट करिया लचके कमरिया कमान हो चले लूट करिया लचके कमरिया कमान सोलह आना भइलू सयान ये जान तोहे देखिए के डोला ताईना सोरह आना भइलू सयान ये जान तोहे देखिए के डोला ताईमा। परियन के रानी आसमान से कैसे संहारी केहू दिल के इतना बता दो हो तुहरा नजरिया के बान से होना जो वदा से ले ले बू तू लगता परा झूठा हूँ तू करेलू गुमान ये जान तोहके देखिए के डोला ताईमा झूठा हूँ तू करेलू गुमान ये बस गो जहान हो भाग से गोरिया जे करा के तू आपन बनैबू बड़ा काऊ हो खी धनवान हो मस्त जवानी सोना चानी करी का बखान एक पीसी बड़ू तू समान ये जान तोके देखिए के डोला ताईमा एक पीस बड़ू तू समान ये जान तोके देखिए के डोला ताईमा जब से नैना लड़ल बाते आगे बढ़ल रोज अखिया रहेला इंतजार में दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में क्या बात देख भाई हमारा खोकरा से लड़ रहे उ तो हमारे के पलटियों के ना देखले रहे यार पहला पहला लव है लव लेटर लिखे के बकरो आइडिया दस ना ई बात हां अच्छा ठीक बा भैया हम बताई बताई दे हाँ उगील हे प्राण प्रिय साल यार रामलीला होता रामलीला मारे में बेल मूड बिक दे बा रसलीला के मेटा है रसलीला के सूरज भी हम बताई क्या बताई बे हाँ कहे नहीं उगील उगील लिखा जब से हम तोहरा के देखले बानी हमार करे जवा पंपू से एक नियन पुक 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 पुकाता चुप गेहूं पीसे आयल बड़ा भैया हम बताई बताओ अपने दिमाग की कढ़ाई से ना एकदम ताजा ताजा आइडिया छन ले बानी कहा तो परोस दे सलते हूँ अली भैया के खानदान से बिलोंग करे तेरे चुप अब ना ते बताई बे नहीं बताई नहीं तीनों के क्वालिटी हमरा समझ में आ गई अब हमरे कुछ सोचे के परी
लोग सही कहला, जेकरा के दिल से चाहना ओकरा के मिलावे खातिर भगवान भी ओकरा साथे हो जाले। आज वो सही हमरा साथे भइल बा, देखना जौना लड़की के देख के हम दिलो दिमाग में बसा लेनी, उ लड़की के हुआ और ना यह लड़की ही है। ए देखना देखना सूरज, तुके पता बा ये लड़की के भी है? गजराज सिंह के बहिन रश्मि बिया रश्मि। तका हो गई बहिने नहिया, भाई तना नहिया। सूरज तू मजाक मत कर, सामने वो लड़का अहमद के देखत बड़ा ना। हाँ देखा दनी आनहर बा, बाकी वो आनहर रहे ना, ओके आनहर बना दिया गई। माफ करिया, गलती से देखना पड़ी का रे और हिम्मत कैसे भाई गजराज सिंह के बहन के धक्का देवे के? नहीं भैया आज तो आग फोड़ दे। नहीं भैया, गजराज सिंह के बहन के धक्का मार ले। नहीं भैया, नहीं भैया, गजराज सिंह के बहन के धक्का मार ले। नहीं भैया, तोरे माथे के पसीना देख के अब लागत बा कि तोरे प्यार के बुखार उतर गईल बा, अब अपना लव लेटर के फार के फेंक दा। रश्मि 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 हमार नाम सूरज है और हमके तो उसे प्यार हो गइल बा, बाकी अपना दिल के हाल ये लव लेटर में लिख देले बानी। एकरा के पढ़ लिया, पढ़ना लिया, पढ़ के बताओ का लिख ले बड़े। अब रउआ का तनता पढ़ाई के परी ना, प्रिय प्रिय के देखले बन हमार दिन के चैन और रात के नींद सब हेरा गई बा। अगर पास में कुछ बचल बा तो बचल बा खाली एगो अरमान कि तोरा रेशमी जुल्फ के छाव में एगो छोटा सा घर बने, जौना में चाहत के खिड़की से तू हमरा के झाकब और आरजू के रोशनदान से हम तोहके निहारी। ये चिट्ठी में लिखल कनो शब्द ना हमरा दिल की आवाज में। तोर आँख फोड़ ले रहना, अब तेरे कर फोड़। ना भैया,
जाएगी। अगर हम ही एक राख फोड़ दे जैसा शैतान और हमने जैसा इंसान में का फर्क रह जाए। भैया जाए दी, छोड़ दी, छोड़ दी, जाए दी भैया। ऐसा निके की तोरा बारे में हमारा पता निके, सब पता बा। निकी का करी, दिल के हाथे मजबूर बानी और प्यार जौन होला एगो आके दरिया होला, असचा से कुहे होला जौन दरिया में कूदे के हिम्मत रख सके। भैया जी के पता न चले कि चाहे बाबूजी हम तैयार बानी। अरे तोरा तैयार भैला से का होई? ए लड़का के इतना समझौनी कि आज एसपी साहब के बेटी के हल्दी कर संभा, जल्दी घरे आ जाइए, लेकिन कौनो बात के एकरा पर असरे नहीं खे। अरे एसपी साहब खुश हो गए ले तो समझ ले सूरजवा के दरोगा के नौकरी पक्का। नमस्ते। आई तू लोग ठीक से रही? आवा शंभुनाथ आवा। जय हिंद साहब। अरे छोड़ा, आज हमें कोई ऑफिसर नहीं, एगो लड़की के बाप बनी। जी साहब, ये हमार छोटका लड़का दीपक है, ये बड़का सूरज हो गए। शंभुनाथ जी, तोहर लड़का के लंबाई चौड़ाई अच्छा बा, बस ये समझा कि एकर पुलिस में नौकरी पक्का बा। अरे पहुँच हो जा। खुश रह। प्रणाम सर। रहुआ के दोनों लड़का बड़ा संस्कारी बड़े। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये बिटिया खातिर एक छोट गिफ्ट ले आयल बानी, एकरा के स्वीकार करे। एकर का जरूरत है? ले आयल बड़ा तो ठीक बा, अंदर भेजवा दे। बेटा सूरज भाऊजी अंदर ले जा, भाभी जी के देती है। आओ चला। ठीक बा, चला भैया। आओ शंभुनाथ आओ हमरा संग। हजारी बनो तेरी बिंदिया, दीपक। हाँ भैया। गृह मंत्रालय जी बड़ी रे। गृह मंत्रालय मतलब तोहर भाऊजी। दीपक एगो काम कर भाई। बोला बाबूजी लगी जो नहीं भैया जाई बा। नहीं चल चल। हमार हाथ छोड़ा, ये हमार सहेली के घर बा। ता हम तोहरा सहेली के खतियाल बनी और तोहरा अलावा हम यहाँ केहू के पहचानत नहीं की और ना ही जानत आनी। लाई गिफ्ट अपना सहेली तक पहुँचा दा। पहुँचा देबू ना। लो पागल आशिक बदतमीज। सुना जब बदतमीजी के सर्टिफिकेट दिए देहलू तो लागत आई सर के किस। का हो भाई ले ली का चुम्मा।
झांवर रहे तो हर रंगामा हो कौना की रीम से निखार गायल अंगामा हो। बोला अरे बोला बोला धाने ना गोइनी कबो दिने दुपहरिया में पंखा के हवा ले हनी बंदरे कोठरिया में घर में ना होइनी खइनी यही से गोराइनी हो। चुमा राजा जी के लागे नहीं खाटाए सखी हो गइनी पाठा तह देवरा डाले मुंह में तूर के फारा ठाए सखी हो गइनी पाठा। बोले लगलो कावन जड़ी सूंग के। बतावा बोला सजिया पदाना पानी सब पहुँचावे हो खोदा खादी करे देवरा पिया खुशी लावे हो करे ठीठोली हमसे छोटकी नन दिया हो। हसे बोले के तपार बाईल घाठाए सखी हो बनी पाठा देवरा डाले मुँह में तूर के फारा ठाए सखी हो बनी पाठा। देख लेलू हमार चैलेंज पूरा हो गई सर के चुम्मा गाल पे ले लेनी। हमार नाम सूरज है और हमके तो से प्यार हो गेल बा। ए चिट्ठी में लिखल कोनो शब्द ना हमरा दिल के आवाज बा। और प्यार जोन होला एगो आके दरिया होला सच्चा सुहे होला जौने दरिया में कूदे के हिम्मत ना सके। आज के रात आयल बड़ी भाग से सांस में सांस भर के तुझी जायदा डाल अखिया में अखिया निहारत रही रूप रसवा के गगरी तू पी जायदा। करिए बलाम जी
लड़का से हमार बिया भाई तो हमार भैया के मार दिए हैं। रश्मि का भाई पढ़ाई का टेंशन हुँ? रश्मि तू ये घर का राजकुमारी हो और हम तो हर शादी इतना बोड़ घर में कर दे कि तू रानी बन के रहबू। कहाँ मिली पढ़ाई लिखाई करके समझावा एकरा के। जी रश्मि भैया किस्मत में कुछ और लिखल होखे ता किस्मत में जौन लिखल होई वो तो होकबे करी कहावत है गजराज नाम है हमार किस्मत हमरे हिसाब से ना चली तो हम किस्मत के बदल दे। घबरा मत हम बानी ना ना रश्मि अरे दिल के दरवाजा पर कौन राज कर जाई ताहर फूलल फूलल फूलौना। सूरज का समझता रहा तू का समझता रहा तू अपने आप के हमरे भाई के दो चार लोगन के मार के अपने आप के बड़ा सुरमा समझता रहा तो हम हूँ आर्मी है अकेला वन मैन आर्मी लेकिन हमरा नहीं के बुझात कि हमार फिक्र तोहके का इतना होता बोला चुप का है बड़ चलो तू नहीं को बोला तो हम ही बोल देता नहीं हमसे प्यार कर लू ना ये झूठ है ये सच है तोरे आंखी में हमके प्यार के समंदर नजर आवता ये तोहार भ्रम है ना ये अमर विश्वास है पागल हो गए बड़ा देश पर मरे वाला के लोग शहीद कहला और प्यार में मरे वाला के दीवाना पागल ना अगर मर भी गनी ना तो परवाह नहीं कर बस एक बार स्वीकार कर ला हमार प्यार। सूरज भाग जा यहां से भाग जा अहला भी बोल दो अरे मारल जाइबा भाग जा एक बार अहला भी बोल दो अच्छा आई लव यू अब भाग जा अब अगर भाग नहीं ना दुनिया में प्यार करे वाला सन के हौसला टूट जाए और दुनिया के सब आशिकन के तौहीन हो
समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कुंडली में किसी का मंगल खराब है,
तो अगर आप इसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ठीक करना चाहेंगे, ज्योतिष के थ्रू ठीक करना चाहेंगे, तो मंगल का उपाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे साथ साथ, अगर जैसे मंगल की दिशा साउथ है, दक्षिण दिशा का मालिक मंगल है, अगर आप उसके उसको भी साथ में करेक्शन करेंगे या दक्षिण दिशा को भी साथ में ठीक करेंगे, तो ये दोनों मिलके एक साथ ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा, तो इसमें आगे उपायों का क्या महत्व है? अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग उपाय जो है क्यों बताते हैं? क्या सबका फल एक जैसा होता है? देखिए, ज्योतिष की विभिन्न तरह की ब्रांचेस है। जेमिनी अलग होता है, पाराशर अलग होता है, लाल किताब अलग होता है, वैदिक ज्योतिष जिसे वो एक अलग ब्रांच है, की भी एक अलग ब्रांच है। तो सभी ब्रांचेस में ज्योतिष को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और इसी के हिसाब से उपाय होते हैं। फाइनली ये सारे एक ही रास्ते में जाते हैं, लेकिन सबके तरीके अलग अलग है, डेस्टिनेशन इज सेम। अब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करने से किसी दूसरे तरह से उपाय निकलता है, किसी और से किसी और तरीके से उपाय निकलता है। सारे उपाय का फाइनली डेस्टिनेशन वही है, लेकिन सभी ज्योतिषी इसको अलग अलग तरीके से करवाते हैं। इसका एक इसको एक आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव में समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक किसी पर्टिकुलर कुंडली में कोई प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, तो एक ज्योतिषी उसको ऐसे समझेगा कि ये खराब प्लैनेट है, मुझे इसे ठीक कर देना चाहिए, उसके लिए उपाय बनाना चाहिए। दूसरा कोई ज्योतिषी उसको हो सकता है वो ये समझे कि ये प्लैनेट, ये दूसरा प्लैनेट है, ये अच्छा है, मुझे इसकी हेल्प लेके काम करना चाहिए। तीसरा एक और तरीके का मेथड है जिसमें ये है कि वो बैड प्लैनेट या बुरे प्लैनेट को रोक ले, उपायों से उसकी एनर्जी को रिड्यूस कर दे, और जो अच्छा प्लैनेट है उसकी एनर्जी को बढ़ा दे, या किसी बुरे प्लैनेट की एनर्जी के साथ किसी और उसके फ्रेंड को यूज करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, यानी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उपाय का बस यही रोल होता है। अगर वो उपाय अच्छे से किए गए हैं, अगर वो सही किए गए हैं, तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं। जी, जैसे प्लैनेट की बात करी, तो आप आगे बताइए कि ग्रहों के बीच संतुलन को कैसे स्थापित करें? ठीक है, देखिए क्या होता है, हमारे ज्योतिष में हम लोग 9 ग्रहों को प्राइमरीली काम में लेते हैं, प्राइमरीली यूज करते हैं, जिसमें हो गया सूर्य, हो गया चंद्रमा, हो गया मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इसी तरीके से इनके सारे डायरेक्शंस भी हैं। ये जो डायरेक्शंस है, हर प्लैनेट किसी ना किसी डायरेक्शन से एसोसिएटेड है या लिंक्ड है। अगर आपको कोई एक कुंडली में एक प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, तो उससे एसोसिएटेड कोई डायरेक्शन भी खराब रिजल्ट दे रहा होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कुंडली में बुध खराब है, इसका मतलब ये मानिए कि जिसकी कुंडली में बुध खराब है उसके घर में नॉर्थ के डायरेक्शन में यानी उत्तर की दिशा में किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई समस्या या परेशानी या जरूर होगी। अगर मैं इसे और टेक्निकल शब्दों में समझाऊं तो वहां पर एंटी एलिमेंट होगा, यानी बुध से रिलेटेड जो उसका दुश्मन होगा वो वहां पर मिलेगा। अब अगर हम उपाय करते हैं, तो एक तो हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते हैं कि बुध को ठीक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल दिया कि गणेश जी की पूजा करिए, या गणेश जी को मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाइए और वो प्रसाद सब में बांटिए, या गाय को हरा बुधवार के दिन हरा चारा खिलाइए। ये कुछ उपाय है। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ के डायरेक्शन में जो चीजें रखी हुई है, अगर वहां पे कोई एंटी एलिमेंट है उसको भी रिमूव कर देंगे, तो एक जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी वो बंद हो जाएगी, दूसरा जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी वो भी बढ़ जाएगी। तो जब दोनों चीजें एक साथ काम करेंगी तो रिजल्ट जल्दी और ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो पंडित जी, अब आगे हम आपसे पूछना चाहेंगे वास्तु और दिशा के बीच क्या संबंध? देखिए, जो जैसे एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट डिपेंडेंट है, जो हमने ग्रहों के बारे में बात करी उस पर डिपेंडेंट है, इसी तरीके से वास्तु दिशाओं से चलता है। यानी अगर आप किसी घर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी मकान की बात कर रहे हैं, तो आप उसके दिशाओं के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए ज्योतिष में हम नॉर्मली, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का राहु खराब है या केतु खराब है या शनि उसको परेशान कर रहा है, इसी तरीके से वास्तु में भी ऐसा होता है कि किसी की पश्चिम दिशा खराब है या पूर्व दिशा खराब है या नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें उस तरीके से होती है। जैसे हमारे शरीर में हमारे हाथ होते हैं, हमारा फेस होता है, हमारे पैर होते हैं, हमारा स्टमक होता है, सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से वास्तु में ये सारी दिशाएं
उसके वास्तु के शरीर का, वास्तु पुरुष के शरीर का अंग है। तो जैसे हमारे अंग की एनर्जी का लेवल हम ज्योतिष के थ्रू एनालाइज करते हैं, वैसे किसी मकान की क्या एनर्जी होगी, उस मकान में रहने वाले लोगों को उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको एनालाइज करने के लिए सारी दिशाओं को समझना पड़ेगा। अगर ये सारी दिशाएं अलाइन है, ये ठीक है, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर ये अलाइन नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे किसी की बॉडी में, मान लीजिए किसी के कोई बहुत ज्यादा मोटा है, किसी का वेट बहुत ज्यादा है, तो आप ये मान के चलिए कि उसकी चलने की स्पीड कम होगी, क्योंकि उसका पूरा वजन उसके लेग्स पे जा रहा है, पैरों पे जा रहा है, तो पैरों पर एक्स्ट्रा वेट आएगा, उसकी स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। इसी तरीके से वास्तु में भी होता है कि अगर एक डायरेक्शन में कोई एंटी एलिमेंट है या उस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। मान लीजिए अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उनके घर में बीमारियां आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उनका हेल्थ से रिलेटेड, उसको पैसे से रिलेटेड, घर में सुख शांति से रिलेटेड बहुत सारे समस्याएं आती है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट और उसके उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो आपको साउथ वेस्ट में भी मिलेगा। यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का बुरा असर उसके अपोजिट जो डायरेक्शन है उसमें भी आएगा। तो वास्तु करने से या वास्तु करने वाले लोग नॉर्मली सिर्फ इन सारे दिशाओं में बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की बैलेंसिंग की जाती है, प्लैनेट्स की एनर्जी की बैलेंसिंग की जाती है, उसी तरीके से वास्तु में दिशाओं की बैलेंसिंग की जाती है। अगर ये दिशा बैलेंस में है तो आप खुश हैं, सुखी हैं, और आपके अपने गोल्स जो आपके टारगेट है वो अचीव होंगे, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मैरिड लाइफ ठीक बीतने वाली है, सोसाइटी में आपका नेम और फेम मिलेगा, लोग आपको वैल्यू करेंगे। अगर उसमें कहीं पे भी कुछ चैलेंज आता है या कुछ गड़बड़ है, तो जिस जिस डायरेक्शन में गड़बड़ है, जिस जिस दिशाओं में परेशानी है या खराबी है, उस दिशा से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, उन उन चीजों में जीवन के उन उन चीजों में परेशानियां आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसा पंडित जी ने बताया, एस्ट्रो और वास्तु के बीच में डिफरेंस बताया, कई उपाय बताए, कैसे संबंध है वो बताया, तो इसमें वास्तु और एस्ट्रो में पंडित जी इनके बीच में आपने संबंधों को बताया है, और इसमें क्या कुछ ऐसे उपाय करें कि वास्तु आज देखा जाता है कि आजकल एस्ट्रो और वास्तु को साथ में लोग मर्ज करके आगे निकलते हैं, तो क्या कुछ इसमें आप बताएं। देखिए ज्योतिष और वास्तु ये दोनों, जैसा आपने पहले कहा, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपकी कुंडली ठीक काम कर रही है लेकिन अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है तो आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। अगर आपका वास्तु ठीक है और आपकी कुंडली में वो योग कम है, या मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि आपकी कुंडली में एक महीने में मान लीजिए 1,00,000 रुपए कमाने का योग है और आपका वास्तु ठीक नहीं है, तो आप 10-15,000 या ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए कमा पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में अगर आपका वास्तु ठीक है और आपकी कुंडली में कम पैसा कमाने का योग है, मान लीजिए 20,000-30,000 रुपए कमाने का योग है, तो वास्तु के थ्रू आप उसको कुछ बढ़ा पाएंगे। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर ये दोनों चीजें ठीक काम करेंगी तो आपका, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, वो ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से आप इन्हीं सारी चीजों को हेल्थ से रिलेटेड जोड़ सकते हो कि अगर आपकी कुंडली में बीमारियों का योग है और आपका वास्तु ठीक है तो वो बीमारियां या तो छोटी होंगी या कम होंगी या बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगी आप उससे, अदरवाइज उसमें इशू आएगा। कहीं ना कहीं वास्तु और एस्ट्रो करेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हमने अपने इस खास प्रोग्राम में एस्ट्रो और वास्तु के बीच संबंध को जाना। कल फिर से मिलेंगे आपको नए विषय के साथ। देखते रहिए आगे। Ah!
अपन बहन के राखी के सौगात दे लिया। गजराज जमाना के दीवार सदा तू तलवार मोहब्बत के मदहोश पानी के आ गया। मोहब्बत न बाटे बस में केहू के खुदा भी झुकल बा मोहब्बत के आगे। ते हमरा के अपना बहन के राखी के वास्ते छोड़ ले हरा तसुन ते हमर रुखे वाले सार बाड़े रे वही राखी के वास्ते हम हु तोरा के छोड़नी है कि जब हमार मेहरारू ससुराल से नहीं हर जाओ तो होके अपना बड़ भाई के कभी महसूस ना होके देख बहन, ऐसे रोवला से कुछ होके वाला नहीं है। हवा लाख चाहे तो मिट्टी के उड़ा के चांद तक ना पहुंचा सकेले। अबे कि हमार जित समझा या अपन तकदीर कि ये जन्म में हम तहरा की वो खुशी ना दे सके नहीं जो ना खातिर तू रो थाड़ो तो मौत दे दी भैया कहे कि सूरज के बिना हम ना जी सके नहीं। बस बस पागल होगल बाड़ू पागल होगल बाड़ू हराम ज्यादा के प्यार में। देखा लक्ष्मी एक बात हमार ध्यान से सुन ला जान में दाग बा बाकी हमरे इज्जत में कोनो दाग ना और तहरा चलते हमरे इज्जत पर दाग लगे ई हम कोनो कीमत पर बर्दाश्त ना कर सके समझावा एकरा के रोवा रुकी दाग त इज्जत पे ओ दिन लागी जोने दिन राउर की बहिन उ लइका के हाथ पकड़ के भाग जाई। अगर इज्जत तार तार होके से बचावल चाहता नहीं तो बहिन के घर से भागे से पहले ओकरा के डोली में बिठा के उ लइका के साथ विदा कर कहे के रश्मि के आखिन में जो मोहब्बत के सैलाब हम देख ले बन उमें राहुल की इज्जत और मर्यादा सब कुछ आगे बह जाए। बतावा इतना सब कुछ हो गई हमरा के बाहर के लोग से पता चला था शंभू चाचा ड्यूटी नहीं खे जाएगी बका। अच्छा तू चला हम आवा तनी। अच्छा सुन ली हाँ कि सूरज लड़की के चक्कर में पिटा गई ले ठीक बा हम जाता नहीं। ई महाराज खूब हमार सपना के पूरा करिए। केहू कुछ ना बोली हम बात करब।
बात सही कहेला, फल से लदर डाली के और बहु बेटी से भरल परिवार वालन के कौनो ना कौनो चौखट पर झुके के ही पड़ेला। जौन भी भइल ओकरा खातिर हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगतानी। हमरे गलती के सजा हमरी बहिन के ना दी, ओकरा के अपन घर के बहू बना ली, ओकरा के अपन घर के बहू स्वीकार कर ली, ओकरा के अपन घर के बहू स्वीकार कर ली। शंभुनाथ जी, विधायक जी, अब शर्मिंदा न करें, हमरा ये रिश्ता मंजूर बा। आ कही तो पंडित के बुलावल जाए, दिन तारीख तय कर लिहल जाए। अरे हम बुलावत आने ना, अरे बाप, पहले दरोगा तो बन जाए दी। अरे तो ठीक बा ना, पहले दरोगा बन जा, पहले दरोगा बन जा। पर ये रिश्ता के हम पक्का समझी ना? एकदम एकदम। चला तानी, अच्छा चला तानी, प्रणाम प्रणाम। जाऊन कुछ भइल ओकरा खातिर क्षमा क्षमा। हाँ ए गाड़ी निकाला। अच्छा हम भी चला तानी ड्यूटी पे जाए के बाद। देख अब दूध पी के तोरा भौजी से किंग करत नी झूठ। हाँ भौजी यहाँ कर भीतर जो। झाका झुमर हम करी दिन कसहू कटेला रानी बाकी रतिया में तकिया धरी। हाउ खेला ला तू इतना अगुताइल बारू हो काहे शादी से पहले छोरी आइल बारू हो ता काहे शादी से पहले छोरी आइल बारू हो। धारा सजनिया सब कुछ होई पूरा हो पिया मिलन बिन दिल के मोहब्बत होला आधा अधूरा। कुछ दिन धीरज धारा सजनिया सब कुछ होई पूरा मन बखो जाता ए दाजा रिलम रे कबूतर गुटुर गुटुर तू खाई खूबे दाना माजा दिला न खैला पे राजा कब से राइल खाना। मन के कबूतर गुटुर गुटुर तू खाई खूबे दाना हाँ माजा दिला न खैला पे
ना बाटे तब तू भुखाई लबारू हो कहे शादी से पहले छोरी आई लबारू हो तो कहे शादी से पहले छोरी आई लबारू हो। बाबूजी भैया दरोगा बन गए लन। मामा जी भैया दरोगा बन के आ गए। ऐसे घूम के काहे खड़ा बनी, एक बार पलट के तो देखी गिराउर बेटा वर्दी में कैसा लगा था। सूरज बेटा आज अपना सपना के दिन के उजाला में देखे के हिम्मत नहीं के होत। जाना तारा एक पाप के सीना गर्व से कब फूलेला जब ओकरा पता चलेला कि ओकर बेटा ओकरी ना रहले के बाद भी आपन घर परिवार चला। आज एक हवलदार बाप आपन दरोगा बेटा के सलूट मारत। सरवन भाई हाँ जी जा आज पूरा पुलिस लाइन में मिठाई बिठवा दा। हेलो सूरज आओ हमारे पैंट के डोरी तू हूँ ना। सुना एगो बहुत खुश खबरी बा। जल्दी बतावा। अगर फोने पर बता देबना त ए जान खुश खबरी के खुशी कम हो जाई हो। हम त मिल के बताई। तो बतावा हम कहां आई। ओही मंदिर वाला घाट में जहां तो के पहली बार देख के हमरा मन के मंदिर में प्यार के जोत चल रहे। बस बस कवि जी बाकी के कविता सुनेला हम खुदे मंदिर के घाट पर आवत बानी। ए सुना का तहरावे में कहीं लेट हुई ढेर देर कर बू तब तक लेगो एगो चुमा दे ना दा। तू हो ना। आइलबा घर ले जाए के वास्ते उठ उठ
चल ठीक बा, हम तो हर सब बात मानब। चल हे रश्मि, रश्मि मर गई करे काहे अपन भाई के छोड़कर चल गई ली सब कुछ तो मान गल रही थी तोरा खातिर, शादी खातिर हाँ कह दिल रही ना, फिर काहे मर ले, काहे मर ले, हमने की मर ले देखा देखा इंस्पेक्टर, अपन काम वासना के चलते हमार बहन के मार देलस। अबे कैसा आशिक है, अपनी ही जान को मार दिया हम ही खून नहीं कहले नहीं कहले हम ही खून। अबे हर खून करे वाला यह कहला, अरे काम वासना की तो जल्दी काहे धीरे, शादी तय हुई थी ना तेरी, सुहागरात बना लेता, कुछ दिन और इंतजार कर लेता है, अब चल मेरे साथ तो बिठवा। कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है बे, कहाँ देख रहा है। खून नहीं केले बाबूजी, नहीं केले हमी खून। खून? क्या कर खून? गजराज सिंह के बहन रश्मि के खून। ना बाबूजी, ये झूठ बोलता। हम रश्मि के खून नहीं केले। हमार विश्वास करी बाबूजी। शंभुनाथ, तू एकरा सामने से हट जा। और ये मुजरिम के पकड़वावे में कानून का मदद करा। और ये जवन कहता, वो कर फैसला यहाँ ना अदालत में हो। बाबूजी, का अपना बेटा पर भरोसा नहीं करूँगा, ये बताई आखिर हम अपना जान के जान कैसे ले सकता, कैसे? अध्याच, अपन प्यार के ही ना एक बाप के भरोसा के भी खून के लिए बारे ना बाबूजी। हमी खूने की गई है बाबूजी, एक बाप के उम्मीद के खून के लिए बड़े बाबूजी, एक बाप के सपना के खून के लिए बड़े। हमी खूने की गई है बाबूजी, मत मारिए कर आज एको खून करब तोरी साथ है आपन रिश्ता के ले जाए मुजरिम के हम खून नहीं खी खेले बाबूजी, नहीं खी खेले ले जा चो। ऐसे कैसे ले जाए हवलदार शंभुनाथ, तोरा कातिल बेटा के शरीर पे वर्दी अच्छी ना लागत, पहले हम वर्दी उतार। तो ये खूनी शरीर पर वर्दी शोभा ना दे। दुबे यार बाबूजी, ऐसे लग रहा है यार बाबूजी, हम ही खूने की केले बाबूजी, हम ही खूने की केले। बाबूजी
लेकिन गजराज के असली चेहरा सामने तब आइल जब तोरो दिया दे होला बलामो तोरो दिया दे होला बलामो
तोरा घर में हर दिया नहीं खे दर दिया देहले ए बालामु बालामु ए बाबा बालामु। बड़ा परेशान बाड़े ना तू ई जाने खातिर कि ई खून कैलस के बाकी रश्मि अभी मरल नहीं खे जिंदा बिया जिंदा हाँ अब कैसे जिंदा बिया इबा गुप्त गुप्त इबा गुप्त गुप्त इबा गुप्त गुप्त इबा गुप्त गुप्त। अब ज्यादा परेशान मत हो इस सस्पेंस थ्रिलर कहानी हम तो के शुरू से सुना देत बानी। हम अपन बहिन के समझावे के बहुत कोशिश करी। पागल होगल बाड़ू हाँ पागल होगल बाड़ू हराम ज्यादा के प्यार में ये हवा कितनो भी तेज बहे धूल के उड़ाकर चांद तक ना पहुंचा सकेले। बहिन तो बहिन हमार पत्नी भी हमरा के समझावे लगी। दाग तो इज्जत पे ओ दिन लगी जोने दिन राउर की बहिन उ लड़का के हाथ पकड़ के भाग जाए। सलाहू दिन वो दिन हमार दिमागे काम ना करत रहे आओ ही गुस्सा में जब हम घर से बाहर गईनी लड़की के उठा के गाड़ी में बिठाओ। अरे का भैया अभी भिखारी के भी अपन दिमाग न लगाओ जितना कहनी उतना कर जो। अरे दाना पैसा दो दो जल्दी दो पैसा दो। जैया तू दरोगा बनला और अपन ऊ खुशी तू हमरी बहिन के फोन पे सुनौला। हेलो सूरज सुना एगो बहुत खुश खबरी बा। का जल्दी बतावा। ओही दिन तोरू खुशी हम तोरी गम में बदल देनी। चला भैया। ई का बदतमीजी हो। सुनाई नहीं खेदे भैया के बुलाई का ई सब राव और भैया के मर्जी से ही होता। आज ही गाड़ी में तू ना केहू और बैठी ऊ देखा we
कैसा लागली हमार, लेकिन निर्देशित फिल्म बहुत घटिया। गजराज नथुनी चिल्ला, फिल्म के क्लाइमेक्स अभी पूरा नहीं किया भाई, एगो बात हमार कान खोल के सुन ले। हाँ? तोरा के इतना भयानक मौत मारब, इतना भयानक कि तोरा लाश पचील कौआ भी आवे से डरिए जा। हर रोज मौत के मुजरा देखे वाले गजराज के तो मौत के धमकी देता रे, लागता जेल के रोटी खाकर तू पगला गइल बा। चिंता ना कर, बहुत जल्दी हम तोके आजाद करा दे ई जेल से ना दुनिया से। एक बात है, हमार बहिन तो से बहुत प्यार करे ले, तो के बेगुनाह साबित करे खातिर अब तक जिंदा बा, ना तो कब के मर गल रही था। बाकिर ऊ कहां बिया, ई बा गुप्त गुप्त, ई बा गुप्त गुप्त गुप्त। अब अपन ज्ञान से ई गुप्त का बा ई ढूंढा ढूंढा। ए नथुनी चला गुप्त गुप्त ई बा गुप्त। जेल में हमारी जान के खतरा बढ़ गए रहे, और वैसे भी वहां रह के हम अपन बेगुनाही साबित ना कर पाए थे, यही से भागे नहीं। काए बात के खबर गजराज के पता लाग चुकल बा। बिल्कुल चल गल होई, कैसे कि जेलर गजराज के पोसुआ कुत्ता। फिर तो के सावधान रहे के जरूरत बा। एक चीज अच्छा भइल कि हमार ड्यूटी गजराज के सुरक्षा में लाग गई, हो सकेला साथ रहते रहते रश्मि के कोनो ना कोनो सुराग मिल जाए। बाकी गोली गजराज पे चलल बा, दहाड़ तो वो मरबे करी। गब्बर सिंह कह गइल जो डर गइल मर गइल, अरे हम तो डर भी गईनी और बच भी गईनी। वाह भैया जी वाह। ए तिलक धरिया यार, अरे आवा आवा हमरा सुरक्षा इंतजाम में इतना बड़ी भूल कैसे भाई। भैया जी इंस्पेक्टर पीछे की जिम्मेदारी रहल। साला अपन पिछवाड़े के गंदा इंस्पेक्टर विजय के पिछवाड़े ना पोछ। हमरा से ऊपर के मलाई के खाला ते खाले क्यों। हम तोरा से पहले भी कही नहीं कि जेलर के फोन रहे वो सूरजवा जेल तोड़कर भाग गई कहानी की ना। हमरा इतना चेतावला के बावजूद हमारे सुरक्षा इंतजाम में इतना बड़ा भूल कैसे भाईल। सॉरी भैया जी सॉरी सॉरी। काला अंग्रेजी में बोल के हिंदी के गाली ना दे। सॉरी बा सॉरी बा तो प्रायश्चित करा। तू सूरजवा पाताल में भी होके तो ओकरा के ढूंढ निकाला, जौन मन में आए तौन करा, इनकाउंटर करा इनकाउंटर, लेकिन ओकर पेशी अदालत में ना।
नरक में होके के जाए। वो तो हो जाए भैया जी। प्रमोशन तुहार प्रमोशन की जिम्मेदारी हमार बा। अब जो जैसे कुकुर हड्डी के सूंघेला वैसे तू सूरजवा के सूंघ। कैसे सूंघे बहु 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 भारत के बेहुदा तस्वीर। चला खाकी के अंदर रहे वाला सिंघम सिंघम। ए अरे वो अशोक चक्र में तो तीन गो शेर लोकेला ना, चौथा शेर तो रे यहाँ होला। ओकरे बाद भी हमरे सुरक्षा इंतजाम में इतना बड़ा फूल कैसे रे। यमराज के साथ गजराज का पर्सनल रिलेशन बा, यहीं से बच गई नहीं न तो आज हमार राम नाम हो गई लो। बच गई नहीं। चल जाओ, जो जाकर बाहर कुकुर लोगन के साथ बैठा जाओ। ए ले जा रहे कुछ ठंडा ना पी अब। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी गरम बाड़न हो, लागा तो खा जाइन का। बाप रे बाप। रे मंगरू। हाँ भैया। होली के दिन है। हाँ भैया। पिछला दरोगा तिवारी जी के हत्या तो ही कैले रहले ना। ना भैया, होली के दिन तक थाना प्रभारी यादव के मरले रहनी। तिवरिया के ता दिवाली के दिन थाना से निकलते ट्रक से उड़ा देनी। केस बनल एक्सीडेंट के आ तीन दिन में बहरी आ गई नी, बाद में भैया जी सबके सोए चाट गई नी। तिवरिया का कहले रहल रे भैया रउआ के सर्वा कर ले रहल। याद आइल। तिवरिया के बेटी बेटा के तो पता नहीं के। हाँ भैया, लेकिन ओकर मेहरारू हाजीपुर के कोठा में, हाजीपुर के कोठा के शोभा बढ़ावत पुलिस वाला के मरबे, साले पुलिस वाला के मरबे। भैया मारा था साला। बस बहुत बर्दाश्त कहनी तोरी वर्दी की गर्मी, अपना अब तोरी वर्दी उतार के रहा। चुप 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 साला, ये बार बार वर्दी उतारे की धमकी का दे रहे। शुक्र मनाओ के वर्दी पहन ले बानी तो कानून के पालन कर थाई। अगर ये वर्दी उतर गई तो आज और अब भी गजराज का यमराज से कनेक्शन कट। सब का बदतमीजी है। बदतमीजी? अरे ना 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 बदतमीजी नहीं खे,
उ का कि हमार हो गइल बा प्रमोशन और राउर का हो गइल सस्पेंशन। राउर हो गइल सस्पेंड। ई रहल आपके सस्पेंशन ऑर्डर। ए भैया दे दे पढ़ ले। तिलकधारी जाके अपना बाप गजराज से कह दिए कि आज तक हम वर्दी के फर्ज निभावत रहनी हा, बाकी अब सच्चा नागरिक होके के कर्तव्य निभाएगा। वेरी गुड, मार्वलस। मगर गैला से पहले ये अपना वर्दी तो देख के जा। उस सरकारी सर्विस रिवॉल्वर बेल्ट के साथ निकाल निकाल। ये वर्दी जो है भिजवा क्या कि नंगा तो तुके भेज दे सकीला। ठीक बा है। ओए होए होए वेरी गुड। परेशान मत हो को सूरज, वर्दी उतरल बा, जंग के फैसला भी नहीं खे भइल। तू देखिए इस जंग में जीत गजराज के ना हमनी के होई। बाकी विजय रश्मि के पता लगाल जरूरी बा। एक ही रास्ता रहे, ओकरा माध्यम से रश्मि तक पहुंचे के। अब वो बंद हो गई। सूरज एक मंजिल के कई रास्ता होला, एगो बंद हो गई तो का भइल। तू देखिए कई रास्ता मिल जाए। भैया जी अरे तिलक धरिया। प्रणाम भैया जी। आज अचानक ही है? अरे मिठाई लाए हैं। अरे वो तो हम देख रहे हैं। प्रमोशन का प्रमोशन आप ही के आशीर्वाद से तो हुआ। वो तो सदा रहे आशीर्वाद तो सदा रहे। पाचू अपा बढ़िया सा आशीर्वाद दे। नाम का बा लगधारी। अरे तोर ना इनका मालती 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 बहुत सुंदर और अच्छा नाम। अरे बहुत बढ़िया खाना भी बनाती है। और तंदूरी चिकन तक क्या बताएं। ओ तो बुलावा कबो घरे बुलावा। हाँ तो आज ही चले आए। आज हम जरा तानी तैयार। हाँ ठीक है ठीक है तैयार। आठ बजे आ जाए। आठ बजे अरे तिलक धरिया काहे अपन घर लुटवावे खातिर डाकुअन के सरदार के बुलावत अड़े। लुट जाई रे लुट जाई तोर तिजोरी आजे लुट जाई। सुख शांति से जियब हमनी शराब पियब। समझे में नवता साला कि हम ही पार्टी रहने वाले कि भैया जी कौनो बात है पांडे जी। तुम्हार भैया जी के माल कौनो बाटल बा पलटुआ एकदम सही कहत बाड़े तू। अरे हमारे पास चमन कुछ बा वो तो भैया जी कहते अरे कमाल 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 कमाल
माल बा। शांति से जियब हमनी शराब पियब कमाल बा। पांव से कैसे कैसे ऐसे कैसे हम कहाँ जाई हो कोला दिल का दरवाजा कहाँ जाई हो कोला दिल का दरवाजा। अरे भगवान के लिए कहा छोड़े गजराज के सामने भगवान भी नहा सकेला। हाँ मजा ले और हमके मजा दे। जब तक है जी में जी, जी भर के मजा ली। सुख शांति से जी बेटा और जी भर के शराब पी। तोहार माल भैया जी कमाल। हम तिलक लगा देनी। ए न सुनी चल चला भैया काम हो गइल बा। ए मालती 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 जब ले जिया तब ले पिया। कहाँ बा मालती सुत के लुका हो मालती। हे मालती उठा कहाँ पर मालती। गजराज सिंह हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कैलस और तू घर में रहला। धिक्कार बा ओ पति पर जौन अपने पति के इज्जत के रक्षा ना कर सकीला। का कर पाड़ू तू। ये शरीर अब हमरा के बोझ लगता। ये बोझ के हम ना ढो सकी थी। मालती मालती संभालो अपने आप के संभालो। हमरा के सब पता चल चुकल बा। बाकी जो ना अंगेठी से तोहर घर में आग लगल बा वो अंगेठी में आग तू ही लगावले रहला। ओकरा के राख भी हम ही बनाए साहेब। तो फिर तो हमने का कैसे मदद कर सकेला। तो हर बेगुनाही के सबूत हम बता सकेला। गजराज सिंह अपने बहन के अपने फार्म हाउस पे बंदी बना के रखले बाटे और ये लड़ाई में राउर लोग के साथ है हम आई। शायद ही नेक काम से
हमारी पत्नी की आत्मा की शांति मिली। हाँ बोल पलट हुआ का ठीक बा ए ना तो नहीं पलट हुआ के फोन रहे वो साला सरकारी कुकुर तिलक धरिया दुश्मन के साथ मिल गए बा वो हमनी के सारा राज भोग सकेला तुरंत फार्म हाउस फोन लगाओ तुरंत रे मगर हुआ हाँ बोल अरे तो यार फोन बजाता अरे बाजा दे सरवा के साले। तीन दिन से साला परेशान कर ले 45 के रिचार्ज पे 50 के टाक टाइम फुल ऑफर सीमित समय तक का भाई रे का भाई अरे साला मंगरुआ फोन में नहीं उठावत तू गाड़ी में बैठ अरे चल सन अरे तिलकधारी भैया कैसा आए हो रश्मि से मिले खातिर भैया जी के फोन आल हल के ओकर तबीयत खराब बा बाकी ही दोनों के आओ डॉक्टर हो जा मिल ला आए डॉक्टर साहब me पे ही भौंके चलल रहे ए नथुनी ये गद्दार तो मर गई सूरज वा भी जिंदा ना बच के चाहिए Come on!
दिहलस जिंदगिया हमके, दिहलस जिंदगिया हमके, दुखवा हजार हो बाकी जी अबले बाटे, प्रीतिया तुहार हो बाकी जी अबले बाटे, प्रीतिया तुहार हो। जमाना बनल दुश्मन समैया, धड़कन के दिल से दूर कैलस मुदैया, बैरी जमाना बनल दुश्मन समैया, धड़कन के दिल से दूर कैलस मुदैया, कैलस मुदैया। मनवाई हरदम रहे, मनवाई हरदम रहे, बड़ा बेकरार हो बाकी जी अबले बाटे, प्रीतिया तुहार हो बाकी जी अबले बाटे, प्रीतिया तुहार हो। डसत रहे तन्हाई रे, याद ही दर्द आ रहल, याद ही दवाई रे। ओ बन के नगिनिया डसत रहे तन्हाई रे, याद ही दर्द आ रहल, याद ही दवाई रे, याद ही दवाई रे। मजबूर दिनवार रहे, मजबूर दिनवार रहे, रतिया लचार हो बाकी जी अबले बाटे, प्रीतिया तुहार हो बाकी जी अबले बाटे, प्रीतिया तुहार हो। भैया मामा जी। बेटा प्रणाम। खुश रहा। अरे बेटा तू यहाँ, तू तो जेल में रहला ना, ऐजा किसे? बहुत लंबा कहानी बा मामा जी। हमार बहिन तो से बहुत प्यार करे ले, क्योंकि बेगुनाह साबित करे खातिर अब तक जिंदा बा। भगवान इतना बड़ा धोखा। बाकिर बेटा तू अपन बेगुनाही साबित करके जीजाजी के मौत के सच्चे श्रद्धांजलि दे, ताकि उनकर मौत सार्थक हो सके। हाँ मामा जी, छौना गजराज के चलते हमर घर परिवार उजड़ गई, वो गजराज के फांसी के सजा दिवा के ही दम लेब हम।
हमें हमारे बाबूजी की आत्मा के शांति मिली। मामा जी ये विजय। नमस्ते मामा। नमस्ते हमारे दोस्त। नमस्ते सूरज, तू लोग आराम करो, हम चला थे कैसे की काल हो लिया तो कोर्ट बंद रही, हम अजू जाके वकील से मिलकर सारा कानूनी कागजात तैयार कर लेता। नहीं अगली मुलाकात कोर्ट में हुई। मामा मामी अच्छा सूरज हम चलत माने, तू लोग अपन ख्याल रखिए। फगुन में
बुढ़ाओ भी भइले लवंडा देखो नहीं न हूं के सन कलबा डंडा नहीं नहीं परेली हाय रई 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 नहीं नहीं परेली इनके आगे डर से रंग बरसे हरंग बरसे लाली चुनरी पहलिया में रंग बरसे रंग बरसे माटा मारे ला देवारा बाबा तार डर से रंग बरसे अरे लाओ रे अबीर तनी हम होली खेली ले भैया होलाली चुनरी पे होलिया में रंग बरसे अरे होली के दिन रंग खिल जाते हैं आपलू का इल भुलाइल सब मिल जाती है ना मामा ए मामा 20 बार समझौनी 20 बार कि तू राजकुमारी है और बियाह के बाद रानी बन भी समझौनी की ना पर एकरा के तो नौकरानी बने के भूत सवार बा ए देख बहिनिया एक बात जान ले तोरी मांग में एगो खूनी के नाम के सिंदूर ना पड़ सके और खास करके ऊ जो तोरी ही खून के जुर्म में फसल होके निकल निकल पर्दा से बाहर निकले के कहनी ना अरे बहनिया काहे काहे तू एकरा के बेगुनाह और अपन भाई के गुनहगार बनावल चाहत बाड़ी काहे तोरा से बहुत प्यार करेनी हां कोनो तकलीफ नहीं है हां नाना हां चल चल घर में सब तुम्हारे इंतजार करत बाटे चल चल सब ठीक हो जाए चल चल बेटा चल भागा सुरन रुक मैं उसे पकड़ लेके भागा भागा सुरन भागा मामा ऐ पकड़ उन्हें लेके अगर तोर भाई रश्मि के लेके ना वापिस आइल ना ते जान ले कि आज के रात तोर जिंदगी की आखिरी रात होई लेपी आज की रात बड़ी कातिल है अब जिंदा उसको जिलने दो जिलने दो आज होली है तो पिलने दो आज होली है तो पिलने दो ए मंगरुआ हाँ भैया चल यहाँ से बाकी तो निकुल देखिए सब एके Thank you.
हाँ बोल झगड़ुआ। भैया जी दीपक से सुना चकमा देके भाग गई। हराम ज्यादा सारा सब का सब निकम्मा हुआ सर। अब हमार बात ध्यान से सुन। ई खबर सूरजवा के ना पता चले के चाहिए। काले कोर्ट के तारीख बा दीपकवा कोनो भी हाल में सूरज के लगे ना पहुँचे के चाहिए। और हो के ढूंढे सन। सूरज आओ, आओ सूरज आओ। जज साहब अब समय बहुत हो चुका है। सरकारी वकील साहब अपनी झूठी दलीलें देकर, निराधार दलीलें देकर कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी। जज साहब रश्मि की मौत की पुष्टि कोर्ट में पहले भी हो चुकी है। लेकिन हमारे काबिल दोस्त सरकारी वकील, इनका कहना यह है कि मृतक रश्मि की हमशक्ल है। जज साहब हमारे वकील साहब रश्मि की हमशक्ल की हत्या की झूठी और निराधार दलील देकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे मुवक्किल गजराज सिंह को रश्मि की हमशक्ल की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। साहब कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि मुजरिम के आने तक का इंतजार मत किया जाए। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाए। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अदालत से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बिना मुवक्किल की बात सुने हुए अदालत कोई फैसला कैसे सुना सकती है। वकील साहब शायद आपको मालूम नहीं है कि आपका मुवक्किल जेल से फरार हो चुका है। मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। मिलॉर्ड हम अपने मुवक्किल की तरफ से हलफनामा दाखिल कर चुके हैं और हमारा मुवक्किल आज कोर्ट में जरूर पेश हो, जरूर पेश हो। आओ सूरज आओ, आओ सूरज आओ। भैया जी सूरजवा आ गए। मेरे दो अन्ना मोल रतन, एक है राम तो नई लखन। भाई के कुछ भाई ना गाली ना गाली ना। हमरी बहिनी आके दे दे तो मिल जाई तोहरा के लखन। देर मत सोच सूरज, नहीं तो दिमाग के नस फट जाई। हमके जाए द सूरज, ई मुश्किल हालात में तू फैसला ना कर सकेला, हमरा के करे द। Oh,
चलाई जे आज ले गुरु पे रिश्वत ना ले ले होई हमने के ऊपर गोली वो चलाई जे खाकी वर्दी पहने समय लेल गेल शपथ कर सच्चे दिल से पालन करले होई खाकी के पावर तोनी लोग के पता नहीं के अगर हमने के सच्चे दिल से चाही जा तो मंदिर के बाहर रखा लेगो चप्पल तक चोरी ना हो सकेला पलटवा इनन के बकवास मत सुन मर सारे के अगर दोनों लोग के खाकी वर्दी के पीछे जरा भी अगर जमीर बाकी होके तो गजराज के तलवा चौटरी बंद कर दो लोग ए, गन डाउन। तमाम हालातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रश्मि का खून मिस्टर सूरज ने ही एक मिनट हम अपना बेगुनाही के सबूत अपना साथ है लेके आए बनीजा साहब आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर बोलिए जौना लड़की के खून के इल्जाम हमरा सर पर लागल बा आज जो लड़की रुआ सामने भी आ हकीकत भी कोनो फिल्मी कहानी से कम नहीं खेजत साहब सीता गीता कहीं चाहे राम श्याम कहीं खून भइल बा लेकिन रश्मि के ना रश्मि के हम सकल के चौना के कातिल के हुआ और ना ई गजराज बा ऑर्डर ऑर्डर अब अदालत मिस रश्मि का बयान जानना चाहती है बैठा हो विदाई जी आपके भाई गजराज सिंह ने ऐसा क्यों किया आप अदालत को विस्तार से बताएं प्यार जज साहब सूरज और हमार प्यार जवन हमार भाई के मंजूर ना रहे और एक दिन जब सूरज अपनी जिंदगी की
सबसे बड़ खुशी के दिखावे खातिर हमके मंदिर वाला घाट पे बुलाओ ना, ओ दिन हमार भैया हमरी जगह हमरे हमशक्ल के भेज देना और ओकर खून हो गई। सूरज जोना के झूठ मोड़ के इल्जाम सूरज के सर पे डाल दिया गई, जबकि असली कातिल हमार छोटका भैया नथुनी रहना। बैठा खुद मिस रश्मि के दिए गए बयान को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस्टर सूरज को बेगुनाह समझती है और इन्हें बाइज्जत बरी करती है और मिस्टर गजराज सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाती है। ऑर्डर 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 क्या अपनी जगह से नहीं ली क्यों नहीं? तुमने मारी एंट्री और हमरी फटी यार। अब माफ कर दे सूरज, माफ कर दे हमरा के माफ कर दे। तू हमरी भाई, हम तो हर भाई, हम तो हर भाई, बचा ले हमरा के, बचा ले। भाई भाई बहन के रिश्ता पा तो दाग बड़ा दाग। तोरा के सुरंगा से शादी करके बाला, शादी करके बा, ले शादी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोड़ तो जो मंगला पुण्य रे काजी। हो गई शादी, शादी हो गई। सुरंगा अब तो हमार जीजा, हम तो हर साला, अब जीजा साला के कैसे मार सकेला, कैसे मार सकेला ऐसे। द्वार के आगे नाला और घर के अंदर साला ना रखे के चाहिए और तोरा जैसे गंदा नाली के कीड़ा के मरल अच्छी जरूरी। सिंघम 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 पकड़ ले, ये अन्याय कर बाटे। तू हमारा आदमी हुए, तू हमारा आदमी बाड़े, हम तो परमोशन करा दे, बचा ले, बचा ले, तो परमोशन, कानून मंत्री, मुख्यमंत्री। चलोट, 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 विजय, हीला, दिखा दे इकरा, पुलिस के ताकत। कहा करो दाड़ा, कहा करो दाड़ा। ए, सब घूम जालो, आज केहू कुछ ना देखी। सर वेल डन, बहुत बढ़िया सूरज। थैंक यू सर। भैया हम खरवा चढ़ देवा कि ना चुप।